ऊंचा कद, छरहरी काया, रुबीला अंदाज, कड़क आवाज और अंदाज ऐसा कि किसी पस्त हो चुके मरणासन जख्मी सिपाही में भी जोश भर उसे दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए उद्वेलित कर दें। ये परिचय है देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का। इनकी गिनती देश के अब तक के सबसे सफल सैन्य कमांडरों में होती है। ये वही थे जिन्होंने खुद को 9 गोलियां लगने के बाद कहा था कि कुछ नहीं हुआ, गधे ने लात मारी है। ये वही थे जो 13 दिन के युद्ध के बाद पाकिस्तान को घसीटकर घुटने पर ले आए थे। और ये वही थे जिन्होंने आयरन लेडी के नाम से मशहूर रही देश की कड़क मिजाज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर बुलाया था, और जिनसे एक बार इंदिरा गांधी इस बात से सहम गई थी क्योंकि उन्हें आभास होने लगा था कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ उनका तख्ता पलट देंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सैम होर्मोज जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानेकशॉ, यही था सैम मानेकशॉ का पूरा नाम। फील्ड मार्शल की रैंक हासिल करने वाले ये भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे। उन्हीं के नेतृत्व में साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश नाम से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ था। एक दौर ऐसा भी था जब सैम मानेकशॉ की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से खूब जमा करती थी। ये घनिष्ठता इतनी हो गई थी कि वे कई बार बातों बातों में इंदिरा गांधी को लड़की और स्वीटी जैसे शब्दों से भी संबोधित कर दिया करते थे। लेकिन इन दोनों के बीच एक बार अविश्वास भी पनपा, और ऐसा पनपा कि खबरें उड़ने लगीं कि सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी का तख्ता पलटकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कहा जाता है कि इस बात से इंदिरा गांधी इस हद तक डर गई थी कि उन्होंने सैम मानेकशॉ को चाय पर बुलवा लिया और उनसे ये भी पूछ लिया कि क्या वाकई उनकी ऐसी कोई तैयारी है। इंदिरा और उनके बीच इस बातचीत का जिक्र उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था। मानेकशॉ कहते हैं कि शाम के 4 बजे थे, मैं चाय पी रहा था, मिसेस गांधी का फोन आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं बिजी तो नहीं हूं। मैंने जवाब दिया कि मैडम, एक आर्मी चीफ हमेशा बिजी रहता है, मगर इतना भी नहीं कि प्रधानमंत्री से बात ना कर सके। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने अपने ADC से कहा कि लड़की बुला रही है, गाड़ी निकालो। उन्होंने दावे से कहा कि लोग जानते हैं कि मैं इंदिरा को ऐसे ही संबोधित किया करता था। उन्होंने आगे कहा कि मैं संसद भवन में उनके कार्यालय में पहुंचा तो इंदिरा गांधी अपने सिर पर हाथ रखे बैठी थी। मैंने उनका हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक परेशानी में हूं। मैंने कहा, कोई परेशानी है तो मेरे कंधे पर सिर रखकर रो लो, क्या परेशानी है मुझे बताओ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम ही मेरी परेशानी हो। मैंने कहा, मैंने क्या कर दिया? इंदिरा गांधी ने छूटते ही कहा कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि तुम मेरा तख्ता पलट करना चाहते हो। मैंने उनसे इतना ही पूछा कि आपको क्या लगता है। इस पर इंदिरा गांधी ने साफ कहा कि तुम तख्ता पलट नहीं कर सकते। उनकी इस बात पर सैम मानेकशॉ हंस दिए। उन्होंने कहा कि मैंने इंदिरा गांधी से पूछा कि क्या आपको इतना भरोसा है कि मैं तख्ता पलट नहीं कर सकता, क्या मैं इतना नाकाबिल हूं। इंदिरा ने कहा कि मेरा मतलब वो नहीं था, सैम तुम तख्ता पलट नहीं करोगे। मेरी और उनकी लंबी नाक थी, मैं अपनी नाक उनकी नाक के करीब ले गया और साफ कहा कि जब तक मैं आर्मी को बिना किसी हस्तक्षेप के कमांड कर रहा हूं तब तक मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा ना ही था और ना ही आपका तख्ता पलट करने का इरादा है। ये बात सच भी साबित हुई। सैम मानेकशॉ ने कभी इंदिरा गांधी के इस विश्वास को टूटने नहीं दिया। सभी कयासों और चर्चाओं को झुठलाते हुए सैम मानेकशॉ ने सेना और राजनीतिक शासन के बीच सम्मानजनक स्थिति को कायम रखा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।